बिहार विधानसभा में आज स्पीकर के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। विपक्ष वोटिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार और मंत्रियों के रहने पर विरोध कर रहा है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, वह वोट नहीं देंगे। सीएम और मंत्री की हैसियत से बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार और मंत्रियों को बाहर निकालने की मांग लगातार जारी है। इस बात को लेकर पूर्व विधानसभा स्पीकर विजय चौधरी ने भी हंगामा कर रहे सदस्यों को समझाया और कहा कि वह सीएम रहने की हैसियत से सदन में मौजूद रह सकते हैं। ऐसे पहले से भी चलता रहा है, लेकिन विपक्षी सदस्य इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी और मुकेश सहनी भी नई सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नियमावली के तहत चुनाव होना चाहिए, लेकिन स्पीकर महोदय, आपके सामने जनादेश की चोरी हो रही है। जो सदन के सदस्य नहीं है वह सदन में मौजूद है। अगर नियम के साथ मतदान नहीं करना है तो हम लोगों को क्यों चुना गया? नियमावली को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है किसी से। जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी है, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेमानी से चलेगा। और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा, कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए, उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ, ये तो हर जगह, ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है।